सबका स्वागत है एक बार और मेरे नए हमारे नए व्लॉग में, सॉरी मेरे नहीं हम सबके नए व्लॉग में। तो गाइस आज की व्लॉग अब की व्लॉग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। आप देख सकते हो इस वक्त हॉल में ही है, ये हॉल का नाम स्टार क्लब है। यहाँ से ही हमें दूसरे फंक्शन में निकलना है, सिटी पार्क अलीपुर। तो चलो सीधा चलते हैं अलीपुर, वहाँ पर भी सघन खींचना है, सीधा चलते हैं अलीपुर। गाइस दोस्तों आप देख रहे हो हम जा रहे हैं, रास्ते में काफी ट्रैफिक है आजादपुर वाले रास्ते में। हम पहुंच चुके हैं ये हमारे सिटी पार्क होटल, होटल नहीं है बैंकेट है बहुत बड़ा, इसके अंदर यहाँ होटल भी कह सकते हैं इसे। तो चलो सीधा हम चलते हैं हमारे हॉल पे और वहाँ पे सेटअप वगैरह सेट करते हैं अगेन एक बार और शूट स्टार्ट करते हैं। चलो सीधा चलते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास ग्रूम का एक कॉल आया, वो कह रहे हैं कि सेटअप वगैरह सेट करके रख दो जल्दी ही, उनका फर्स्ट लुक शूट करना है हमें। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर ही सेटअप सेट कर रहे गाड़ी के अंदर ही। तो गाइज आप इनको जानते ही, ये नूरमिल में मिले थे हमसे। और मैम कुछ कहना चाहोगे व्लॉग में? नथिंग, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी ब्राइड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी है। हमारे चेहरे थोड़े से थके हुए हो गए आपके सामने, डबल फंक्शन करके यही हालत हो जाती है दोस्तों, देख रहे हैं। तो गाइज हमारी ब्राइड का फर्स्ट लुक होने जा रहा है भैया के सामने, आप ये शॉट देखिए, ये बहुत यूनिक शॉट्स होते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखना, कुछ अपने मन की बातें शेयर करेंगे। तो गाइज ये फर्स्ट लुक पीछे से, तो गाइज आप देख सकते हो दोनों जने आ रहे पीछे, फर्स्ट लुक देगी एक दूसरे को, बहुत ही यूनिक शॉट है, सीरियसली मज़ेदार शॉट है। सो गाइस फाइनली आपने देखा बहुत ही बढ़िया शूट दिया दोनों ने, ये आ चुके हैं हमारे कपल। और भैया क्या कहना चाहोगे व्लॉग में? बस बहुत टाइम लग गया, आज वो इंतकाम की घड़ी आ गई है, इंतजार होता है इंतकाम होता है, दुल्हन की विदाई का वक्त अब नहीं बदलेगा, यहाँ सीधे मूवी चल रहा। तो गाइस ये हमारे भैया बहुत फनी है, आपने प्री वेडिंग में भी देखा था इन्हें। तो गाइस जोड़ी एक नंबर है, सीरियसली बहुत अमेजिंग जोड़ी है दोनों की, बहुत खूबसूरत है, भगवान इन्हें साथ ही रखे। बाकी आगे चलो हम वीडियो में मूव ऑन होते, अब हम सेशन करेंगे कपल का। अब सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भैया वैसे भी तो गाइस फाइनली हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, बहुत जबरदस्त सेशन हुआ, लेकिन यार ब्राइड के एक्सप्रेशन नहीं ले पाए, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। अब चलो आगे शूट करते हैं, उस टाइम पे हमें मिल जाएगी, उनसे पूछ लेंगे। चलो सभी हम बिल्कुल ले रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलो अब डेकोरेशन शूट करते हैं हम, आ जाओ। तो गाइस अभी हम बैंक्वेट के अंदर आ चुके हैं, अंदर का शॉट ले रहे हैं। इस वक्त हम क्या कहते हैं डेकोरेशन शूट कर रहे हैं और बहुत ही ऑसम डेकोरेशन है यहाँ की, आपके सामने देखिए। फाइनली हमने डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट कर ली, बाकी आप ये देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग ये हॉल है, ये हॉल सिटी पार्क का इंपीरियल है, बहुत अमेजिंग हॉल है। और यहाँ पे मैंने अभी भैया से पूछा कि पर डे क्या हिसाब पड़ जाता है, तो उन्होंने बताया 6-7-8 लाख के अंदर, और मैक्सिमम ऊपर जाए तो 10 लाख के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है एक दिन। 100-150 बंदों का फंक्शन 10 लाख के अंदर हो जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक है मेरे अकॉर्डिंग। हम मेरे ख्याल में तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही सोचता था कि ये
ये डेकोरेशन के मेरे दिमाग में ऐसा था कि आई थिंक ये 25-30 लाख का होगा, लेकिन बिल्कुल सही रेट में गाइस, मेरे अकॉर्डिंग गाइस। तो गाइस फाइनली हमारे ग्रूम की एंट्री होने वाली है, तो चलो रेडी हो जाओ एंट्री देखने के लिए, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत आप लोकेशन के अकॉर्डिंग ही सोच सकते हो एंट्री कैसी होगी गाइस। तो चलो चलते हैं सीधा ग्रूम के पास और आपको एंट्री बताते हैं हम। तो गाइस अभी ग्रूम की एंट्री हो रही है, भैया शॉट बना रहे हैं। देख सकते हो भैया वहाँ से शॉट देख सकते हो, तो भाई यहाँ से शॉट ले रहा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हम नहीं चला रहे, सचिन भाई को दे रखा है क्योंकि थोड़ा सा कैंडिड करना चाह रहा था मैं इस वजह से। फ्रेंड्स फाइनली ग्रूम की एंट्री हो चुकी है और बहुत ही जोरों शोरों में एंट्री हुई, आपने पूरी एंट्री देखी है। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी एंट्री, मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगी। अब चलो हम ब्राइडल के पास जाते हैं, कुछ सेशंस ले सकते ले ले भाई। कसम से यार शादी का खाना खा के ना इतना पछतावा होता है ना, लेकिन यार मन नहीं भरता है भाई। लेकिन यार अब मन बहुत भर गया, लेकिन फिर भी खा रहा हूँ यार। अब तो आप दुआ करो भाई मैं छोड़ दूँ भाई। दोस्तों ये फन था, एक आज देख सकते हो कितनी फनी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा चलो ब्राइडल के पास चलते हैं, उनका कुछ सेशन करेंगे, मजा आ जाएगा भाई। कुछ तो करो यार दुआ यार भाई। भाई ये देखो ये मेरा पेट भर गया, फिर भी ये देख लो आप, छोटा समोसा मेरा फेवरेट है यार, दुआ करो छोड़ दो भाई। तो भाई देख सकते हो इतना फनी हरकत कर रहे रवि भाई। आप देख सकते हो रवि भाई शूट ले रहे ब्राइड का, ग्रूम की पूजा हो रही सब। यस पाओ भाई ये कोट बड़ा हीवी है, बहुत फिट है। चलो ये निकाल के अब सेशन करते हैं हम। अरे कंफर्टेबल, ये पता ही क्या था, ये जिम का सामान था, वजन था कि तो गाइस भैया राउंड ले रहे हैं पद्मती, हमने कितना तंग करा आपको ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। काम कैसा हुआ आपका? काफी अच्छा। हाँ काफी अच्छा भाई, लाइट लेकर आओ तो चलो गाइस वॉकिंग शॉट लेते हैं वीडियो का। भाई दीदी अमेजिंग, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस ब्यूटी, ब्यूटीफुल, नेवर सीन बिफोर। तो गाइस फाइनली आपने देखा हमने हमारा वॉकिंग शॉट कंप्लीट कर दिया है, अब थोड़ी देर में ब्राइडल एंट्री होगी फिर जाएंगे शूट करेंगे। बाकी आपको कैसे लगे हमारे शॉट कमेंट में लिखकर बताओ यार, बहुत मेहनत करी आपके सामने, अंदर पाँव की वाट लग चुकी है डबल फंक्शन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा आपको बताओ मेरे भाई। चलो सो दोस्तों फाइनली हमारा सेशन कम्प्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं क्या कहते हैं एंट्री के लिए, तो चलो सीधा चलते हैं एंट्री पे। तो गाइस ब्लैक कैंटी होने जा रही है अभी, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई लाइट पीछे लो, आप बताओ कहाँ पे चला, हम पीछे रहो। तेरी खुशियों के खातिर ऐसा
तो गाइस फाइनली आपने देखा परफॉर्मेंस ग्रूम की कैसी लगी, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद भाई, बाय बाय।